In this tutorial, I am going to show you how to install Vibration Gamepad Driver on PC. So let's start it. बता देता हूँ कि मेरे इसमें जो गेमपैड का ड्राइवर है वाइब्रेशन का वो इंस्टॉल नहीं है. तो सबसे पहले आपको सर्च बॉक्स में सेटअप यूएसबी गेमपैड ये सर्च करना होगा. और अभी मैं आपको बताने के लिए अब मेरा वाला गेमपैड कनेक्ट करता हूँ. तो मैंने कनेक्ट कर लिया है मेरा गेमपैड. इसके प्रॉपर्टीज में जाकर देखिए, इसमें सिर्फ दो ही ऑप्शन शो कर रहा है, एक तो सेटिंग और दूसरा टेस्ट. इसमें वाइब्रेशन का कोई ऑप्शन नहीं है. तो इसके लिए एक आपको फाइल डाउनलोड करनी पड़ेगी जो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है, ये वाली. इसे हम एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं. एक्सट्रैक्ट करने के बाद हमें तीन फोल्डर दिखाई देगी. इसमें से हमें सबसे विंडोज़ हमारा जो वर्जन है विंडोज़ 10 का है, तो उसको हम सिलेक्ट कर लेते हैं और इसे इंस्टॉल कर लेते हैं. इसमें इंस्टॉलिंग के लिए थोड़ा टाइम लगेगा, हमको रुकना होगा. ये वाला ड्राइवर तो इंस्टॉल हो गया. उसके बाद में सबसे पहले नंबर का फोल्डर हमें सिलेक्ट करना है, उसमें यूएसबी वाइब्रेशन गेमपैड ये वाला एप्लीकेशन इंस्टॉल करना है. आपकी दोनों फाइल इंस्टॉल होने के बाद, एक विंडोज 10 वाली और एक ड्राइवर्स वाइब्रेशन ड्राइवर्स वाली, दोनों इंस्टॉल होने के बाद आपको अपना गेमपैड कनेक्ट करना है. तो मैं भी अपना गेमपैड कनेक्ट करता हूँ. और उसके बाद में आपको यूएसबी जॉयस्टिक ये वाला एप्लीकेशन ओपन करना है. उसके बाद अपना गेमपैड सिलेक्ट करना है. उसके प्रॉपर्टीज में जाकर ये देखिए दोस्तों, आपको तीनों फंक्शन दिखाई देंगे, फंक्शन टेस्ट, कैलिब्रेशन फंक्शन और वाइब्रेशन टेस्ट. इस तरीके से आप अपने लैपटॉप में वाइब्रेशन गेमपैड ड्राइवर इंस्टॉल कर सकते हैं. यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें. थैंक यू.